अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू की मौलिमा मिस मरियम। आज हमारी उर्दू की दूसरी क्लास है। उर्दू की पहली क्लास में हमने यादा किया था, जिसमें हमारा उनवान था हुरूफ तहजी और उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर एक मेरा तारुफ। आज का मौजू शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सबक को सुनने के बाद आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। इस सबक को सुनने के बाद आप मंदरजा जिल चीज़ें सीख चुके होंगे। नंबर एक, वाहिद और जमा में फ़र्क, यानी वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं, उसकी पहचान सीख चुके होंगे। नंबर दो, वाहिद की जमा बनाना। ये वो फ़ायदे हैं जो आप लोगों को इस सबक को सुनने के बाद हासिल होंगे। आज हम उर्दू कवायद के पहले मौजू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है वाहिद और जमा। सबसे पहले हम वाहिद के बारे में पढ़ेंगे। वाहिद का मतलब होता है अकेला, यानी कोई भी एक इसम का नाम वाहिद कहलाता है। इसम किसी भी शख्स, चीज़, जगह या जानवर के नाम को कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाहिद की मिसालें, मसलन पंखा, कुर्सी, अंडा, खिड़की, पराठा वगैरह। ये तमाम मिसालें वाहिद हैं। जैसा कि हमारी मिसाल नंबर एक है, पंखा। पंखा एक है, अकेला है, यानी वो वाहिद है। इसी तरीके से मिसाल नंबर दो है कुर्सी। कुर्सी भी एक है, यानी वो वाहिद कहलाएगी। मिसाल नंबर तीन है हमारी इसी तरीके से अंडा। अंडा भी अकेला है, एक है, तो वो वाहिद कहलाएगा। कोई भी एक इसम का नाम वाहिद कहलाता है। वाहिद हमने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। अब हम पढ़ेंगे जमा। जमा के मायने हैं दो या दो से ज़्यादा। कोई भी दो या दो से ज़्यादा इसम को जमा कहते हैं। मसलन पंखे, कुर्सियाँ, अंडे, खिड़कियाँ, पराठे वगैरह। हमारी मिसाल नंबर एक है पंखे। पंखे एक से ज़्यादा हैं तो वो जमा कहलाएंगे। हमारी मिसाल नंबर दो है कुर्सियाँ। कुर्सियाँ भी एक से ज़्यादा हैं तो हम इसे जमा कहेंगे। जमा कोई भी एक से ज़्यादा इसम को कहते हैं। बच्चों, हमने वाहिद और जमा समझ लिए हैं। अब हम ये सीखेंगे कि वाहिद से जमा किस तरीके से बनाए जाते हैं। वाहिद से जमा बनाने का पहला तरीका ये है कि जिन अल्फाज के आखिर में अलिफ या हे आता है, ऐसे अल्फाज की जमा बनाने के लिए अलिफ या हे को हटाकर बड़ी ये लगा दी जाए। जैसे मिसाल नंबर एक है हमारी अंडा। अंडा लफ्ज़ के आखिर में अलिफ आ रहा है, तो हम अलिफ को हटाकर बड़ी ये लगा देंगे तो जमा बन जाएगा अंडे। इसी तरीके से हमारी मिसाल नंबर दो है पंखा। पंखा लफ्ज़ के आखिर में भी अलिफ आ रहा है, तो हम अलिफ को हटाकर बड़ी ये लगा देंगे तो जमा बन जाएगा पंखे। अब हमारी मिसाल नंबर तीन है कमरा। कमरा लफ्ज़ के आखिर में हे आ रहा है, तो हम हे को हटाकर बड़ी ये लगा देंगे तो जमा बन जाएगा कमरे। इसी तरीके से वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ या हे आता है, उन अल्फाज के आखिर से अलिफ या हे को हटाकर बड़ी ये लगा दी जाती है ताकि जमा बनाए जाएं। वाहिद से जमा बनाने का दूसरा तरीका ये है कि जिन अल्फाज के आखिर में छोटी ये आती है, उन अल्फाज के आखिर में अलिफ नून गुन्ना लगाकर जमा बनाए जाएं। मसलन जैसे हमारी मिसाल नंबर एक है खिड़की। खिड़की लफ्ज़ के आखिर में छोटी ये आती है, तो हम छोटी ये के आगे अलिफ नून गुन्ना लगाएंगे तो ये बन जाएगा खिड़कियाँ। मिसाल नंबर दो है कुर्सी। कुर्सी के आखिर में छोटी ये आती है, तो उसकी जमा बनाने के लिए छोटी ये के आगे अलिफ नून गुन्ना लगा देंगे तो जमा बन जाएगा कुर्सियाँ। इसी तरीके से अब मिसाल नंबर तीन है अलमारी।
अलमारी लफ्ज़ के आखिर में भी छोटी ये आती है, तो हम उसकी जमा बनाने के लिए छोटी ये के आगे अलिफ नून गुन्ना लगा देंगे तो जमा बन जाएगा अलमारियाँ। इसी तरीके से वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में छोटी ये आती है, उन अल्फाज के आगे अलिफ नून गुन्ना लगा कर जमा बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये था वाहिद से जमा बनाने का तरीका। उम्मीद है आप लोगों को आज का मौजू समझ आ गया होगा। आप लोगों को इसी से मुतालिक एक सरगर्मी भी दी गई है। आप लोग उस सरगर्मी को ध्यान से कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।